बीजेपी नेता सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने पनवेल में पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी की फोटो का इस्तेमाल कर शिवसेना के आदित्य ठाकरे के साथ साथ विधायक और सांसद चुने गए और अब उन्होंने मोदी के विपक्ष से हाथ मिला लिया है। जावड़ेकर ने कहा कि यह महाराष्ट्र के मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। बीजेपी नेता सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चुनाव में जिस भाग में मत कम मिले हैं उस भाग में मत कैसे बढ़ाए जाए इस पर विचार किया जाएगा। वह आज मावल लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर है, उन्हें मावल लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि भविष्य में मावल लोकसभा क्षेत्र में भाजपा सांसद होंगे। उन्होंने कहा हम राज्य की 48 में से 48 सीटें जीतेंगे। जावड़ेकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्यसभा की जीत के बाद अब गुप्त मतदान होने की वजह से विधान परिषद की सभी सीटें जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी यह 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है, इस वजह से हमें यह जीत हासिल हुई है। आमदार ठाकुर यांनी सांगितलं, मी आता मावळ लोकसभेच्या दौऱ्यावर, असे कार्यक्रम देशभर चालू होते, भारतीय जनता पार्टी अधिक मजबूत करायचा, यासाठी बूथ सशक्तीकरण अभियान आमचं चालू होतं, म्हणजे जिथे कमी मतं पडली तिथे मतं कशी वाढवायची, त्या त्या बूथमध्ये जाऊन त्याचं आम्ही प्लॅनिंग करतो। आपल्याला माहिती भाजप हा 24 तास चालणारा पक्ष आहे, काम करणारा पक्ष आहे, आणि 24 तास काम करत असल्यामुळेच आम्हाला आज हे सफलता मिळाले की आणखी वाढावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत राहतो आणि सगळ्यांचा विश्वास संपादन करणं आम्हाला खात्री आहे। मी काल उरण तालुक्यातही गेलो होतो, आजही आता पनवेल तालुक्यात गेलो, तर पूर्वी वेगळ्या पक्षांना मतं देणारे मोठ्या संख्येने लोक आता मोदींच्या मागे उभं राहायला तयार आहे आणि उभेही राहू लागले। याचं कारण मोदींचा विकास कार्यक्रम हा सगळ्या जनतेपर्यंत पोहोचला, मग गरीब आवास योजना असो, शहरी आवास योजना असो, टॉयलेट असो, उज्ज्वला गॅस असो, जनधन अकाउंट असो, विमा असो, शेतकऱ्यांना मिळणारे पैसे असो, प्रत्येक बाबतीमध्ये वॅक्सिन फुकट दिलं, 195 कोटी झाले वॅक्सिन सरकारने मोफत दिलं, आणि माझं पहिलं आव्हान राहील की बूस्टर डोस ज्यांनी घेतला नसेल त्यांनी घ्या, कारण मुंबईमध्ये पुन्हा कोरोनाच्या केसेस वाढत आहेत, आपल्या स्वतःला त्रास होऊ नये म्हणून मोदींच्या मोफत वॅक्सिन योजनेचा फायदा घेऊन आपण बूस्टर डोस घेतला पाहिजे। आमचे 303 खासदार आहेत, ते आपापल्या मतदारसंघामध्ये असे कच्चे बूथ किती आहेत जिथे कमी मतं पडली तिथे ते काम करत आहेत, आणि प्रत्येक 100 राज्यसभेचे आमचे खासदार आहेत त्यांना 100 मत। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।